हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको काली चना की दाल, जो उड़द की दाल होती है, और उसकी चना की दाल मिलाकर उसको फ्राई करना बताऊंगी। देखो, मैंने बॉईल कर लिया दाल को। मैं कम से कम 20-25 मिनट दाल को बॉईल करती हूँ। देखो, बॉईल करने के बाद इस तरीके से दाल हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे फ्राई किस तरीके से करते हैं। मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है, थोड़ा घी ठीक ठीक डाले, अच्छा सा घी डाले। हम ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन उससे इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि इस जाते हैं। देखो, टमाटर ने सारे साइड भी छोड़ दिया है, देखो भी छोड़ दिया, तो उसके अंदर हमारा टमाटर भून सका। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, इसमें बटर मक्खन भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी घर पे थोड़ा अवेलेबल है, इसलिए मैंने थोड़ा डाल दिया। आधा क्वार्टर आप इसमें मक्खन डाल सकते हो, जिससे कि और भी टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी लगेगी, होटल से भी टेस्टी दाल लगेगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। मैंने इसमें कुछ धनिया पत्ती ऐड कर दी है, जिससे कि ये देखो कितनी सुंदर दाल लग रही है। इस तरीके से आप भी होटल से भी टेस्टी दाल अपने घर पर बना सकते हो। और इस तरीके से अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।